गुड मॉर्निंग शिक्षक साथियों, मैं केदारनाथ गुप्ता, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ पंजीगढ़ 1160 का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं आज बीएससी ऑफिस गया था, यानी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर संगठन के संबंध में बातचीत के क्रम में मुझे जानकारी हुई कि बीएसए साहब भी संगठन को लेकर के कन्फ्यूज हैं, या यह कह सकते हैं कि उनको सही संगठन की जानकारी नहीं। मेरा उद्देश्य इस वीडियो का बनाने का यह है कि हमारे शिक्षकों शिक्षक साथियों के साथ साथ हमारे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी संगठन को लेकर के भ्रम की स्थिति में है कि एक ही नाम से तीन तीन संगठन गोरखपुर में कैसे कार्य कर रहे हैं। इस जिले गोरखपुर में तीन तीन जिला अध्यक्ष हैं, वो भी ब्रह्मपुर ब्लॉक में तीन जिला अध्यक्ष, और तीनों के संगठन का नाम एक ही है। मेरा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस कन्फ्यूजन से, इस भ्रम की स्थिति से बाहर निकालना है। मैं उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ पंजीकरण 1160 का जिला अध्यक्ष हूँ, और इसी संगठन के जिला अध्यक्ष श्री अभिमन्यु प्रसाद तिवारी सर हुआ करते थे, और श्री अभिमन्यु प्रसाद तिवारी सर इसी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी कई टेन्योर रहे हैं। जब श्री नरेंद्र सिंह उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ पंजीकरण 1160 के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो श्री अभिमन्यु प्रसाद तिवारी सर ने उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ 1160 से अपना रास्ता अलग कर लिया, और माननीय अभिमन्यु प्रसाद तिवारी सर उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के नाम से एक संगठन का संचालन करने लगे। नाम सेम होने की वजह से, कार्यालय सेम होने की वजह से एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये मामला कोर्ट में चला गया कि उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का असली वारिस कौन है जो पंजीकरण का उपयोग कर सकता है। ये विवाद चला, 2007 में इसका निर्णय आया। यह निर्णय श्री नरेंद्र श्री नरेंद्र सिंह के पक्ष में आया, और अदालत ने उन्हें ही उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ पंजीकरण 1160 का अध्यक्ष घोषित किया। लेकिन इस स्थिति में भी, इस निर्णय के बाद भी श्री अभिमन्यु प्रसाद तिवारी सर रुके नहीं, और उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक के संघ के नाम से संगठन का संचालन करते रहे। यानी जिस संगठन का श्री अभिमन्यु प्रसाद तिवारी सर संचालन कर रहे थे, वह अपंजीकृत संगठन था। अभी भी यह संगठन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के नाम से कई जिलों में और उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहा है। आगे चलकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, जो अभिमन्यु तिवारी सर के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था,
इसमें दो भाग, यह संगठन दो भागों में बट गया। एक भाग का नेतृत्व वर्तमान में श्री दिनेश शर्मा जी कर रहे हैं और दूसरे भाग का नेतृत्व श्री सुशील पांडे जी कर रहे हैं। ये दोनों संगठन अपंजीकृत हैं। सुशील पांडे गुट के संरक्षक श्री अमरनीत प्रसाद तिवारी सर हैं और दिनेश शर्मा गुट भी उन्हें अपना संरक्षक मानता है और अपने धर्म धरने में माननीय अमरनीत प्रसाद तिवारी सर का नाम बड़े सम्मान के साथ मन से लिया जाता है। एक सीधा सा इक्वेशन है और आप, मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि पंजीकृत संगठन कौन सा है। वर्तमान में उत्तर नरेंद्र सिंह से होता हुआ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ पंजीकरण 1160 माननीय नरेंद्र सिंह जी से होता हुआ आज वर्तमान में श्री राम प्रकाश साहू जी के नेतृत्व में है, कार्य कर रहा है, जिसके महामंत्री श्री राजकुमार गुप्ता जी हैं। जी हैं। मैं इसी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम प्रकाश साहू जी द्वारा गोरखपुर इकाई का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया हूँ और मुझे यह जिम्मेदारी दी गई है कि मैं सभी ब्लॉकों में चुनाव कराते हुए जिले चुनाव कराऊं और अंत में जिले पर भी चुनाव होगा। इसी सिलसिले में आज मैं BSA कार्यालय में गया था। वहां पर मैंने एक दिन BSA महोदय से कहा कि मुझे शिक्षा समितियों में एक शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया जाए। उनसे एक निवेदन किया और उनको एक ज्ञापन दिया। अंततः मैं यह कहना चाहता हूं कि दोस्तों, साथियों, संगठन को लेकर किसी भ्रम की स्थिति में आप न रहें। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ पंजीकरण 1160 जो श्री राम प्रकाश साहू जी के नेतृत्व में प्रदेश में कार्य कर रहा है, यही शिक्षकों का असली संगठन है। बाकी जो भी संगठन उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के नाम से कर रहे हैं वो अपंजीकृत है, लेकिन शिक्षकों को सही जानकारी न होने के पाप के वजह से इन संगठनों के पीछे लग जाते हैं। आप गौर कीजिए, क्या इन संगठनों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है? अभी एक गुट है श्री सुशील पांडे जी का जो गोरखपुर में अपना विस्तार कर रहा है और जिसे श्री अमरनी प्रसाद तिवारी सर के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा है। इस संगठन की खासियत मैंने देखी कि एक दूसरे को माला पहना के अपने को जिला पर और ब्लॉक में अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। मैं जब शिक्षकों के बीच में घूमना शुरू किया, चुनाव के संदर्भ में उनसे संपर्क किया और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ 1160 के बारे में बताया, जो पुराने शिक्षक साथी थे वो तो तुरंत समझ गए, लेकिन नए शिक्षक साथियों को समझाना पड़ा। उनके दिमाग में प्रश्न था, अभी भी बहुत सारे शिक्षक साथियों के दिमाग में प्रश्न है कि जब ये संगठन अपंजीकृत हैं तो फिर ये कार्य कैसे कर रहे हैं? BSA और SDI इनकी बात क्यों सुनते हैं? यह इसका उत्तर तो SDI और BSA के पास ही होगा। मैं बस इतना जानता हूं, जब संगठन व्यवस्थित होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए,
तभी हम शासन से अपनी मांग मनवा सकते हैं, जो जरूरी सुविधाएं हैं उसे उपलब्ध, जो हमें जो एक शिक्षक के रूप में जो जरूरी सुविधाएं हैं तभी वो मुझ हमें आसानी से उपलब्ध हो सकती है। जो संगठन आजकल आजकल ये देखने दिखाई दे रहा है, हर 10 आदमी मिल करके 10 शिक्षक साथी मिल करके एक संगठन बना ले रहा है, उससे हासिल क्या होगा? हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं है, पूरे प्रदेश में 5 लाख के आसपास, लगभग 5 साढ़े 5 लाख की आसपास हमारी संख्या है। जब हम लोग एक संगठन के जब एक संगठन के मंच पर रहेंगे तभी हम मजबूत कहलाएंगे, तभी सरकारें भी हमारी बात मानेंगी। कारण क्या है? उसका रीजन है, सरकारें उस समूह की तरफ ध्यान देती हैं, जन समूह की तरफ ध्यान देती हैं जो समूह की बात करता है, व्यक्ति की बात नहीं करता, सबकी बात करता है। संगठन क्या होते हैं? सबकी बात करते। और हमारा जो संगठन है उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ, एक रजिस्टर्ड बॉडी है और ये सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत बॉडी है, तो सरकार हमारी मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार क्यों नहीं करेगी? लोग कहते हैं कि सरकारें सुन नहीं रही। बहुत सारे धरना प्रदर्शन मैंने अपने इस टेनो में शिक्षक बनने के दौरान देखा है, शिक्षक के कार्यकाल के दौरान मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, चक्का जाम हो रहा है, भीड़ इकट्ठा हो रही है, सरकारें नहीं सुन रही। कभी आपने इस पर गौर किया कि सरकार इस मास का बात क्यों नहीं सुन रही है? क्योंकि ये संगठन पंजीकृत नहीं है, अधिकृत नहीं है। ये सरकार की समस्याओं को नहीं उठा रहे हैं, सरकार की उन समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं ले जा रहे हैं जिधर इन्हें ले जाना चाहिए। ये मल्स आंदोलन से क्या होते हैं? मल्टी डायमेंशनल होते हैं, मल्टी डायमेंशनल या कह सकते हैं मल्टी डायरेक्शनल होते हैं। जितने लोग उसमें धरने में आते हैं उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन जब कोई भी पंजीकृत संस्था आंदोलन करती है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, वह सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ही आंदोलन करती है। जो उसकी मांगे होती हैं सरकार के गाइडलाइन के को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, उनकी मांगें उलझुल नहीं होती हैं। उसका कारण है कि जिस तरह फर्म सोसाइटी एवं चिट्स लखनऊ मंडल लखनऊ ने में जिन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन होता है उन पर सरकार विशेष ध्यान देती है। इसका कारण यह है कि सरकार इन संस्थाओं के माध्यम से समाज में उत्पन्न असंतोष को जानना चाहती है, इनके माध्यम से उसका समाधान निकालना चाहती है। कोई भी सरकार कभी यह नहीं चाहती है कि उसके राज्य में अराजकता फैले, उसकी जनता उसके कर्मचारी असंतुष्ट रहें। भारत जैसे देश में, या कह सकते हैं कि भारत में सरकार का स्वरूप लोक कल्याणकारी है, इसलिए सरकार जनहित को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय करती है। इसलिए मित्रों, एक पंजीकृत संस्था के साथ काम करने का मतलब होता है कि सरकार को
सहयोग देना, व्यवस्था को सहयोग देना। इसलिए मित्रों, मैं सभी शिक्षक साथियों से जो किसी भी संगठन में काम कर रहे हैं, आप सभी उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ पंजीकरण 1160 के अधीन कार्य करें। ये हमारा बहुत पुराना संगठन है जो 1967 से कार्य कर रहा है। मैं उन सभी नेताओं से भी अपील करता हूँ, उन सभी शिक्षक नेताओं से अपील करता हूँ जो अपने आप को शिक्षक हितैषी कहते हैं, कर्मचारी हितैषी कहते हैं, एक पंजीकृत संस्था के साथ खड़े हों, एक पंजीकृत संस्था के साथ अपने को खड़ा करें और संस्था को मजबूत करें। इससे शिक्षक हित भी होगा, सरकार का हित भी होगा, समाज का हित भी होगा। किसी भी संस्था का मतलब विश्व शिक्षित, किसी भी शैक्षिक संस्था का मतलब सिर्फ बीएससी और एसडीआई नहीं होता। कोई भी संस्था इन अधिकारियों के लिए नहीं बनाई जाती है। जो भी संस्था बनाई जाती है वो शासन स्तर पर नीतियों को प्रभावित करती है, वो शासन को बताती हैं कि जनहित में कौन सी नीति सही है, कौन सी गलत है, किसको इम्प्लीमेंट करना सही, वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताती हैं। शिक्षक साथियों, मैं अक्सर जन शिक्षक साथियों के बीच में देखता हूँ, कोई भी आदमी सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन करके चला आता है। मैं शिक्षक नेता हूँ, मैं एसडीआई से और बीएसए से आपको बचाऊंगा। अरे भाई, क्या बचाओगे, क्या बचाओगे? शिक्षक और एसडीआई हमारे दुश्मन थोड़ी है, वो भी हमारे सहयोगी हैं। शिक्षक और शिक्षक अधिकार शिक्षा अधिकारियों के सहयोग से यह शिक्षा रूपी नदी प्रभावित हो रही है, यह शिक्षा व्यवस्था एक सही दिशा में कार्य कर रही है। या यह कह सकते हैं कि एक शिक्षा व्यवस्था को सही तरह से चलाने के लिए शिक्षक और शिक्षा अधिकारी दोनों सहयोगी हैं, दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसमें कोई एक अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निर्वाह करेगा तो ये व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, चरमरा जाएगी। इसलिए मित्र शिक्षक साथियों, आपका उद्देश्य पढ़ना पढ़ाना है, देश के भविष्य को बनाना है। ये फर्जी जो शिक्षक है ना, शिक्षक नेता अपने कहते हैं, इनसे सावधान रहिए। और मैंने मेरा अपना अनुभव है, ये लोग पढ़ाते कम है, घूमते ज्यादा हैं। तो मैं इन शिक्षक नेताओं से कहूँगा, पढ़ाइए, एसडीआई से मत बताइए। आप नियमित स्कूल जाएंगे, कोई एसडीआई कोई बीएससी आपको नहीं छुएगा। सभी शिक्षक ह्यूमन बींग हैं, किसी के साथ भी ये आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है। शरीर है, हाड़ मांसी शरीर बनी है, किसी की अपनी तबीयत खराब हो सकता है, थकान हो सकती है। इस बात को अधिकारी भी समझते हैं। इन्हीं बातों के साथ अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, शिक्षक संगठन जो शैक्षिक संगठन है उनका उद्देश्य शासन तक अपनी बात पहुंचाना है, यही एक माध्यम है जिससे जो भी समस्याएं शिक्षक समाज द्वारा महसूस की जाती है, अनुभव की जाती है, उसे शासन तक संगठनों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इसका रूप धरना भी हो सकता है, शांतिपूर्वक धरना भी हो सकता है, पत्र व्यवहार भी हो सकता है,
क्योंकि सरकार भी जानती है कि संगठन एक लोकतांत्रिक तरीके से बने हुए हैं, इन संगठनों में नियमित चुनाव होता है और प्रत्येक 5 साल पर, या यह कह सकते हैं प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर इन संगठनों का नवीकरण होता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ पंजीकरण 1160 का होता है। इसलिए मित्रों, आप सभी लोग एक पंजीकृत संस्था के साथ रहिए। व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संस्था बड़ी होती है। इसलिए कोई व्यक्ति ये समझ ले कि वह किसी संस्था का अध्यक्ष है, मंत्री है, तो बहुत बड़ा हो गया है, उसकी वह भूल है। जब तक आप लोग संस्था के साथ जुड़े रहते हैं, तब तक आपका लीडर मजबूत होता है। जिस दिन आप संस्था को छोड़ देते हैं, उस दिन आपका लीडर कमजोर हो जाता है, संगठन कमजोर हो जाता है। इसलिए मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक साथियों, नमस्कार।